Hello, friends, welcome to our channel. Today, in this video, I'm going to provide you 10 most important antonyms in sentence format, and the particular word is highlighted or bolded. So, you have to answer that particular word or antonym of that particular word. Okay. So, let's get start So, the direction is select the option that is opposite in meaning to the underlined word. Okay. So, question number first is the aspects of yoga are a kind to psychotherapy. सो जो एस्पेक्ट्स है योगा के दैट इज अकाइन टू साइकोथेरेपी सो यू हैव टू नो द करेक्ट एंटोनियम सॉरी सिनेम्स ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड सो दैट यू कैन ईजीली फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ दैट वर्ड टू ओके सो वॉट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ए काइन अकाइन का जो मीनिंग है दैट इज सिमिलर होमोजीनियस और इक्वलेंट ठीक है लाइक है न सो यहाँ पर हम ऑप्शन में ये भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि द एस्पेक्ट्स ऑफ योगा आर लाइक टू साइकोथेरेपी मतलब साइकोथेरेपी जैसे ही है सो so इसका जो अपोजिट है दैट इज अनलाइक सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अब एकाइन के आपको सिनोनिम्स भी याद रखने हैं जो एकाइन है उसका मीनिंग क्या होता है दैट इज सिमिलर होमोजेनियस इक्वलेंट, ओके ये सारे सिनोनिम्स हैं एकाइन के क्लियर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू लिव ऑथेंटिकली दैट ओनली एक्सकर्बेट्स ट्रॉमा सो so, जब पीपल ऑथेंटिकली नहीं रह पाते हैं लाइफ में बैलेंस्ड फॉर्म में या फिर रियल पाथ पर नहीं चल पाते हैं दैट ओनली एक्सकर्बेट्स ट्रॉमा दैट इज द ब्रेन ब्रेन प्रॉब्लम सो एक्सकर्बेट्स का मतलब होता है बढ़ाना है ना सो so, इसका जो अपोजिट मीनिंग है दैट इज एसॉज सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नाउ व्हाट इज व्हाट आर सिनोनिम्स ऑफ एसॉज एसॉज के जो हैं दैट इज अ स्मूथ और वी कैन से मिट्टी गेट मिट्टी गेट का मतलब इंपॉर्टेंट है कम करना मिट्टी गेट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सो ये सम ये कुछ हैं एसॉज के एसॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सो एक्सकर्बेट का जो अपोजिट है दैट इज एसॉज ओके एक्सकर्बेट इसका जो सीनेरियम है दैट इज वर्सन चीजों को और कॉम्प्लिकेट करना ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री बाय हिज डेवर अपेरेंस वी कुज रेज हिम सो कैडेव यहाँ पर सेंटेंस से समझ में आ रहे, रहेवरिस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अनवेल फेटिक या गोंट या बेकार कंडीशन उससे हम पता कर सकते हैं डिसीज कैसे उसको खराब किया है डिसीज ने सो so, कैडेवरिस का जो सिने केडेवरिस के सिने गड अनवेल फेटिक है ना गॉड ये सॉरी ये जो हैगर्ड है इसके सिनेम्स हैं गॉन्ट ओके एंड कैडेवरिस के जो सिनेम्स हैं दैट इज पेल थिक बोन थिन बोनी कैडेवेरस के जो सिनेम्स हैं दैट इज थिन बोनी पतला है ना बोनी थिन पेल ये सिनेम्स हैं हैगर्ड के जो सिनेम्स हैं दैट इज गॉन्ट अनवेल फैटिक तो यहाँ पर कैडेवरिस का मतलब ये जो नेगेटिव वर्ड है इसका जो पॉजिटिव होगा दैट इज लाइवली ऑफकोर्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके पहले सिनोनीम्स आपके सेंटेंस फॉर्मेट में नहीं दिए जाते थे सिंपली uh, एक वर्ड होता था उसका आपको सिनोनियम्स या एंटोनीय्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता था बट लास्ट ईयर एमिनस में सेंटेंस फॉर्मेट में क्वेश्चन देखे गए हैं तो इसलिए मैं सेंटेंस फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रही हूँ ओके पांच आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एंटोनीम से होते हैं और पांच एंटो सिनोनीम से क्वेश्चंस होते हैं ओके okay? जो सिनोनीम्स है वो ज़्यादा फोकस करना है एंटोनीम्स तो आप अगर आपको सिनोनीम्स पता है तो एंटोनीय्स आप इजीली निकाल सकते हो नेक्स्ट इज द पार्टीज कंकर जजमेंट्स दैट हैव बीन डिलीवर्ड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी रिफ्यूट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रिफ्यूट का जो मीनिंग है दैट इज प्रूव टू बी रॉन्ग और फॉल्स और डिसअप्रूव किसी चीज को डिसप्रूव करना कि ये गलत है है ना जो प्रूव है ऑलरेडी उसको रॉन्ग प्रूव करना दैट इज़ रिफ्यूट एंड कनक्योर सॉरी कनक्योर इज डिफरेंट कनक्योर कनक्योर का मतलब है दैट इज़ एग्री करना उस चीज़ पर जो भी प्रूवन है उसको एग्री करना ट्रीटी है या फिर एकॉर्ड है, एग्रीमेंट है सो बोथ द पार्टीज जो दोनों पार्टीज है दे एग्री विद द जजमेंट दैट हैव बीन डिलीवर्ड तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्रूफ टू तो बी रॉन्ग जो भी जजमेंट डिलीवर किया है उसको वो रॉन्ग प्रूफ करना चाहते हैं दैट इज नॉट टू बी राइट ओके अकॉर्ड अकॉर्ड मतलब होता है डिसग्रीमेंट के कंडोन का मतलब होता है अप्रूव करना सेंक्शन करना किसी चीज को क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ही गेव ऑल द credits टू हिज मदर फॉर द अकम्पलिशमेंट ही got. सो so accomplishment का जो अपोजिट है दैट इज फॉर फिट Accomplishment का मतलब होगा इसका success, जो भी success उसको मिली है उसका क्रेडिट अपनी मां को देना चाहता है so इसका अपोजिट हो जाएगा फॉरफिट फॉरफिट का मतलब होता है पेनल्टी फाइन फॉर रॉन्ग डूइंग ओके तो ये अपोजिट हो जाएगा फॉरफिट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स जॉर्ज इज़ अ प्रोटीन एक्टर हु इज़ कैपेबल ऑफ प्लेइंग न्यूमरियस कैरेक्टर्स अब यहाँ सेंटेंस से आप इजीली ये पता कर सकते हो जैसे जॉर्ज है वो एक प्रोटीन कैरेक्टर है क्योंकि वो कैपेबल है न्यूमिरस रोल्स को कैरेक्टर्स को प्ले करने में सो so, प्रोटीन का मतलब ऑफकोर्स यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं होने वाला ओके okay? क्योंकि वो यहाँ पर जो अपोजिट होगा दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग टाइप क्योंकि वो जो है कैरेक्टर जो उसका है वो एक कॉन्स्टेंट नहीं है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए कांस्टेंट अपोजिट क्या हो जाएगा कांस्टेंट प्रोटीन का जो सीरेनियम है दैट इज फ्लक्चुएटिंग चेंजेबल ओके सो ये इसके इराटिक ये भी एक सिरेनियम है फ्लक्चुएटिंग चेंजेबल एंड इराटिक ये सारे सीरेनियम्स हैं प्रोटीन के प्रोटीन का मतलब होता है चेंजेबल अपोजिट हो जाएगा कॉन्सटेंट वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज द लाइफ ऑफ ए ट्रैवलिंग सेल्समैन इज एन इटिनरेंट वन नाउ ये आपका वन वर्ड सब्सटिट्यूशन में पूछा जाता है इटरेंट मतलब होता है द पर्सन हु ट्रेवल्स प्लेस टू प्लेस ऐसे पर्सन जो प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करते हैं काफ़ी ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है उन पर्सन को बोलते हैं इटिनरेंट तो यहाँ पर आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो इसका मीनिंग इटिनरेंट का मतलब इतना और रेंट मतलब रेंट uh, पर जो रहते हैं लोग ना तो ऐसे आप कर सकते हो जो ट्रेवल करते हैं प्लेस टू तो प्लेस उनके घर नहीं होते तो वो रेंट पर ही रहेंगे मोस्टली तो इतना रेंट पर रहते हैं ऐसे लर्न कर सकते हो सो द लाइफ ऑफ अ ट्रेवलिंग सेल्समैन इज एन इटनरेंट टू वन सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपोजिट में दैट इज परमानेंट ऑप्शन बी ओके परमानेंट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट ही एक्यूज ऑफ सबिंग अ विटनेस ना सबॉन्निंग सब का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एनकरेजिंग इन रॉन्ग डूइंग किसी को एनकरेज करना बुरे काम करने में है ना डूइंग अनलॉफुल समथिंग सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन सी डिटेरिंग ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर किसी को डिटेरिंग uh, का मतलब होता है रोकना रॉन्ग डूइंग करने में किसी को बुरा काम करने से रोकना और किसी को एनकरेज करना बुरे काम में दैट इज़ सब सो अपोजिट हो जाएगा डिटेरिंग ओके okay? एबेटिंग का मतलब होता है एनकरेज करना इन अफकोर्स इन रॉन्ग डूइंग अगेन ओके सेडेटिंग मतलब काम नेक्स्ट इज लास्ट टू क्वेश्चन एम्ब्रेस एम्ब्रेस का जो करेक्ट सीरोनियम uh, है दैट इज रिजेक्ट एम्ब्रेस का मतलब होता है और सॉरी रिफ्यूज नहीं अपोजिट uh, उसका एम्ब्रेस का मतलब एग्री करना किसी चीज़ पर ओके okay? परमिट करना अपोजिट हो जाएगा रिजेक्ट देन नेक्स्ट इज पर्सी मनी पर्सी मनी का मतलब होता है पर्सन जो बहुत ही कम पैसा खर्च करे टाइप सॉरी ज्यादा पैसा है ना एक्स, एक्स्ट्रावेगेंट सो so इसका अपोजिट हो जाएगा जेनरोसिटी। ऑप्शन ए जेनरोसिटी। सो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हैं सेंटेंस फॉर्मेट में सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो मोर वीडियोज़ एंड प्रोवाइडेड ऑन सिनोनीम्स एंड एंटोनियम्स ओके थैंक यू सो मच